हेलो फ्रेंड, आप यदि हमारे चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाएं, क्योंकि यहाँ है मोबाइल का सॉल्यूशन का ये चैनल है। तो यहाँ पे बहुत सारे ट्रिक मिलते हैं, अच्छे अच्छे ट्रिक, और बोर्डों के जितने भी सॉल्यूशन होते हैं वो रोज़ अपडेट होते हैं और उसका रोज़ ही हम वीडियो बना के देते हैं। तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके जाएँ। ये मेरे पास जियो का मोबाइल है, तो ये किसी बंदे के पास जाके आया, तो इसकी ये कंडीशन है। आप देखोगे तो कंडीशन क्या बना रखी है इसकी, लेकिन ये क्या फ़ोन, जैसे मान लो कि किसी गरीब गरीब आदमी के पास होता है तो इस फ़ोन को कोई नहीं बना पाता है, तो उनका पैसा लग जाता है और जैसे हमारे देश के पैसे बर्बाद हो जाते हैं। तो हम उन पर क्या करते हैं, गरीब आदमी के जितने की फ़ोन होते हैं उनको बनाने में हम बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं और उनको बनाते हैं, लेकिन हमें बनाने का इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन क्यों बनाते हैं जियो फ़ोन को, क्योंकि ये गरीब आदमी के पास फ़ोन होता है। यदि मान लो कि जिस टेक्नीशियन भाई ने इसका कंडीशन ये किया है, तो ये तो फ़ोन उसके हिसाब से डेड है, यानी कि गरीब जो आदमी है उसका पैसा लगने वाला है। तो मैं इस फ़ोन को कैसे बनाता हूँ, कैसे नहीं बनाता हूँ, वो सारा ट्रिक इसी वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो ऐसा आपके पास भी प्रॉब्लम आए तो उस फ़ोन को कैसे आप करोगे, कि यहाँ पे जो हमें क्या करना है, यहाँ पे जो मेन हमारा डायोड वाली ये लाइन है, वीवीएस की लाइन, इस पर 5 वोल्ट का सप्लाई आता है, तो इस वाली लाइन पर हम जम्पर करेंगे और बाकी दो ये BSI और ID की जो लाइन है इन पे भी जंपर करेंगे। और यहाँ नीचे क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक ग्लू लगा देंगे, जो हमारा UV ग्लू आता है वो वाला ग्लू लगा के उसको पेस्टिंग करके यहाँ से जंपर कर देंगे और हमारा काम बन जाएगा। लेकिन कैसे बनेगा ये सारा ट्रिक हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। यहाँ देखोगे तो मैंने यहाँ पे जो ये वाला जो हमारा PCB वाला ये वाला होता है ना, जो PCB लेयर BGR2 का ये है हमारे पास, तो ये PCB कलर की तरह होता है। तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे जो प्रॉब्लम कर रहा था वो यहाँ पे मैंने पूरा ये लगा दिया है। इसको लगाने के बाद जो हमारे पास ये वाली मशीन है, यानी कि ये लाइट है, UV लाइट बोलते हैं इनको, तो आप समझ गए होंगे कि ये UV लाइट को क्या करेंगे। तो यहाँ पर हम लगा देंगे तो ये कुछ टाइम लेगा और उसके बाद जो हमारा नीचे वाला कलर है वो बन के तैयार हो जाएगा। तो इस तरीके से हम यहाँ पे करेंगे, फिर यहाँ पे हम कोई भी जंपर करेंगे तो वो ग्राउंड वगैरह नहीं होगा और हमारा फ़ोन चार्ज होने लग जाएगा। ये वाला चार्जिंग जैक है, इस पर आप देखोगे तो यहाँ पे मैंने यहाँ से तीन जंपर लिए हैं, जो BSI और प्लस की लाइन और जो ID की लाइन होती है वो ले। लेकिन ये चार्जिंग का है जियो वाला, तो इसको यहाँ से जंपर किया, अब लगाएंगे इसको ऊपर, जो ग्लू वाला होता है ना UV मास्क, वो लगाया हुआ है उसके ऊपर। इसके बाद उसको हीटिंग से पका के अब लगा रहे हैं, तो पूरा का पूरा काम परफेक्ट कर रहे हैं।